नमस्कार दोस्तों, आज हम SPS जो देहरादून में बनाते हैं, जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला वहीं पे हैं। और यहाँ पे लगभग 5 से 6 दिन हो गए मशीन को चलते, और कुआ 1 मीटर के करीब ही सिंक हो पाया, जो कि 7 मीटर डाई का है। तो स्थिति यहाँ पे जो पत्थरों का लेवल था वो इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं, एक तरफ से तो वेल पूरा टंगा हुआ है कि यहाँ से ग्रैब ने काफ़ी माल अंदर को खींच लिया है, आप देख रहे होंगे जैसे कि। और हमने आज यहाँ डिवाटरिंग करी हुई है, और डिवाटरिंग करने के बाद कुछ मैन्युअली आदमी अंदर घुसे हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिवाटरिंग के हमने 7 HP का पंप लगाया है, समरसेबल पनडुब्बी से बोल देते हैं, ओपन वेल समरसेबल। तो सिंकिंग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से स्थिति थोड़ी ख़राब सी चल रही थी सिंकिंग की। तो आज हमने यहाँ पे मैन्युअली कुछ लेबर लगाई है, सब ज़्यादा होने के कारण तो हमें अब अंदर मैन्युअली कुछ कुएँ को सिंक करना पड़ेगा। काफ़ी हैवी बोल्डर और चिकनी मिट्टी के साथ बोल्डर मिक्स है यहाँ पे। आपको इस वेल की जो मैं अंदर की तरफ से दिखा रहा हूँ, मोटर से डिवाटरिंग होने के बाद मैन्युअली आदमी लगाए हुए हमने, काफ़ी चाल है इस कुएँ में। अगर ये कटिंग लगभग ये 2 दिन कर दे तो 1.5 मीटर के करीब कुआ बैठने की स्थिति में है, आप अंदर से देख सकते हैं। और ये फोरमैन्स और ऑपरेटर यहाँ खड़े हुए हैं, और 2 आदमी यहाँ पे लगे हुए हैं जो सिंक कराने के चक्कर में हैं। और काफ़ी सम बना हुआ है इसके अंदर, जिसे कि सिंकिंग की भाषा में कुंडी भी कह देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो मुझसे चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो अभी देखते हैं कुआ कितना सिंक हो पाता है, और लगभग ये 2 दिन में मुझे लग रहा है कि 2 मीटर के करीब सिंक हो जाएगा, जैसी स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है।